आप सभी का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दोस्तों, मैं आपके लिए परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो हमारे एग्जाम किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, उनमें इन क्वेश्चनों के आने की संभावना बनी रहती है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। कोशिश भी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और आप अच्छे अंक प्राप्त करें, ये हमारी मनोकामनाएं होती है। इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चुना है और उन क्वेश्चनों को ही आप तक मैं शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। यदि आपने इससे पहले परीक्षा से दृष्टि के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के पार्ट 2 में डाल चुका हूँ, उनको भी आप देखने का प्रयास कीजिए। और तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा हम करते हैं, जो इसमें मैंने एक्सरसाइज 12 से लेकर 14, 15, 16 तक, 17 तक मैं इसमें क्वेश्चंस रखने का प्रयास करूंगा, तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होंगे दोस्तों। पर उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जो भी जितने भी फ्रेंड है, दोस्त है, उन दोस्तों तक भी मेरे चैनल को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भेजें। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 12 ले रहा हूं मैं, इसका मैंने पहला क्वेश्चन लिया है जो एक परिमेय है, एक महत्वपूर्ण, और मैंने आपको ये वीडियो में भी बता रखी है, जो मेरे वीडियो अपलोड है उसके अंतर्गत आप डिटेल से समझ सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास में भी समय कम है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक अच्छे क्वेश्चनों को पहुंचा सकूं। तो आप ज़्यादा समझने के लिए उन वीडियो को देख सकते हो और साथ में ये अपने पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर सकते हो, तो उसके आधार पे आप समझने का भी थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि मेरी स्पीड अभी तेज रहेगी। अब मेरे परिमेय है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। दोस्तों, ये हमारे पास में एक वृत्त है, अब इस वृत्त पे कोई भी बराबर जीवाएं ले सकते हो आप। ये बराबर जीवाएं ले लिया आपने, नाम दे दो इनके ए बी और ये सी डी, ये दो बराबर जीवाएं, ये केंद्र पे क्या करेगी कि बराबर कोण आंतरित करेगी, ये केंद्र पे बराबर कोण आंतरित करती है, ऐसा आपने से कहा गया है। तो केंद्र हम मान लें इसका ओ है। तो अपने को यहां से सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको कि ए बी बराबर सी डी, ये दिया है, चित्र से मैंने बनाया है, तो ए बी बराबर सी डी, और इसका मतलब ये जीवाएं बराबर है। और साथ में मेरे को सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि आंतरिक कोण इनका बराबर होगा, अर्थात केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो केंद्र पे जो कोण बनेगा ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा अपने पास में सी ओ डी, कोण सी ओ डी, ये अपने को सिद्ध करना है। तो दोस्तों, उत्पत्ति करें, उत्पत्ति, अब उत्पत्ति में क्या लिखें कि जीवा ए बी बराबर सी डी, समीकरण नंबर 1। और इसके बाद में देखते हैं ए बी बराबर सी डी, चाहो तो आप पहले लिख सकते हो त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज सी ओ डी में, तो ये जीवा बराबर है, और जीवा बराबर है तो ये भी तो बराबर ही होगी, ओ ए बराबर ओ डी, ये भी बराबर होगी। क्यों होगी बराबर, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या भी बराबर होगी। और इसी प्रकार ओ बी बराबर है ओ सी, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या लिख दें कि हमारे पास में त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। जब ये सर्वांग सम है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान है, क्या नाम, भुजाएं बराबर है, तो इनके कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अतः कोण ए ओ बी
बराबर कोण सी ओ डी इतिशीतल। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों, और परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। एक ऐसा क्वेश्चन है, आकृति में ए बी 14 सेमी है, एक आकृति है। अब आकृति अपने को बनानी पड़ेगी, वर्ताकार आकृति या आकृति है जिसमें ए बी का मान कितना दिया है, 14 है, 14 सेमी, तथा सी डी 6 सेमी की है। ओ केंद्र वाले वृत्त में 2 समांतर जीवाएं जो ए बी और जीवा सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो कहने का मतलब अपने पास में 2 जीवाएं हैं, एक जीवा ये है, एक जीवा है, जिनमें से एक तो ए बी जीवा है और एक जीवा सी डी है, और ए बी का मान दे रखा है 14 और इसका मान दे रखा है 6, और जो ये वृत्त के केंद्र से लंबवत है तो केंद्र ओ है, और साथ में वृत्त की त्रिज्या दे रखी है वो 6 सेमी की है, ये त्रिज्या है जो 6 सेमी की है, और मेरे से कहा है कि दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 14 है, अपन जानते हैं केंद्र से अगर जीवा पे लंब डालते हैं तो जीवा को वह 2 भागों में समद्विभाजित करती है, तो ये 7 हो गई और ये 6 हो गई, ये 6 है तो ये 3 रह जाएगी। अब हमारे पास में 2 त्रिभुज है तो दोनों के लंब निकाल कर अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं x1 और x2। तो यहाँ से x1 x2 का मान निकालें, तो x1 का मान ज्ञात करें, ज्ञात करना, तो x1 का मान ज्ञात करोगे तो आपके पास में त्रिभुज ये है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये x1 है, ये 7 है और ये अपने पास में 6 है। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास में वृत्त की त्रिज्या 9 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 9 सेमी है, सॉरी ये ध्यान देना, वर्त की त्रिज्या 9 सेमी है, तो ये 9 सेमी हो जाएगी अपने पास में। अब x1 का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और ये 49 प्लस एल का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 81 में से 49 जाएंगे तो हमारे पास में कितने बच जाएंगे, देखो फटाफट से निकालो, 11 में से 9 गए तो 2, और इधर बच गया 7 में से 4 गए तो 3, 32 बचे, तो एल बराबर अंडर रूट के 32, ये तो इसका मान आया x1 का, तो बराबर x1। इसी प्रकार से x2 का मान निकालेंगे दोस्तों, अब x2 के लिए भी हमारे पास में ये चीज़ बनेगी, ये 3 है और ये 9 है, अब 9 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा दो डायरेक्टली आप, तो x2 बराबर 9 का वर्ग 81 माइनस 9, अब 81 में से 9 गए तो अपने पास में बच गए यहाँ से 11 में से 9 गए 2 और 7 72, x2 बराबर 72, तो ये किसका मान आएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में, तो x1 और x2 का जो मान है दोनों को जोड़ देंगे जिसमें अपने पास में इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, अर्थात x1 प्लस x2 बराबर रूट 32 प्लस रूट 72, और इनको अपन क्या लिख सकते हैं, 16 × 2 और 36 × 2 लिख सकते हैं, तो 16 × 2 अंडर रूट में और 36 × 2, 16 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ से समझना, 16 का वर्गमूल तो होगा 4 और अंडर रूट 2, और 36 का हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, 6 और 4 रूट 2 तो आ जाएंगे ना बाहर, तो 6 और 4 10 रूट 2, ये इसकी मध्य की दूरी होगी। इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही मैंने इसमें कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक या उनका योग 180 होता है, ये आपके दोस्तों प्रमेय है एक्सरसाइज 12 में, तो आप इसको खुद प्रमेय के रूप में पाठ्य पुस्तक से समझने का प्रयास कीजिए, और यदि वहाँ समझ में नहीं आती है तो मेरे चैनल से आप वीडियो को अपलोड करके उसमें भी आप देख सकते हो, ये मैं आपको वीडियो में डाल चुका हूँ एक्सरसाइज 12 वाले में, तो आप वहाँ से भी इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ अभी। और क्वेश्चन नंबर में
छः पे आ जाता हूँ, जिसमें निम्न आकृतियों पे एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये भी मैंने आपको सवाल सिखाए हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार और दिखाता हूँ निम्न आकृतियों पे एक्स और वाई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा। दोस्तों यहाँ से अपने पास में चक्रीय चतुर्भुज की स्थितियाँ बनी हुई है, और चक्रीय चतुर्भुज के अंतर्गत क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो हमारे पास में सम्मुख कोण है वह है ए प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए का मान कितना है 5y प्लस 5, और सी का मान कितना है कि x प्लस 10 बराबर 180। 5y और x, तो 5y प्लस x और 5 5 10 15, 15 को हम ट्रांसफ़र कर दें तो इधर बच जाएगा अपने पास में 165, समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार से इधर का भी आपके पास में b और d भी क्या है सम्मुख कोण है, तो कोण b प्लस कोण d बराबर भी योग कितना होना चाहिए 180। अब 180 होना चाहिए, तो चलो आप इनका भी मान रखो, मान रखेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा 4y माइनस के 4 और प्लस 2x और प्लस के 4 बराबर 180। 4 से 4 कट गया तो 4y प्लस 2x बराबर 180, समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और समीकरण दो को अपने को क्या करना होगा, हल करना होगा, और हल करके इसका आसानी से अपन क्या करें मान निकाल सकते हैं। समीकरण एक और दो को हल करें, देखते हैं, देखिए इस तरह से ये हल होगी, मैं आपको एक अलग कागज में सिखाता हूँ। समीकरण एक और दो को हल करें तो अपने पास में समीकरण एक आई है 5y प्लस एक्स बराबर 165, और दूसरी समीकरण है 4y प्लस 2x बराबर 180। अब दोस्तों देखो विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसमें यहाँ दो नहीं है, तो आप क्या करो पहले इस पूरी समीकरण को दो से गुणा कर दीजिए। अब दो से पूरी समीकरण को गुणा करोगे तो 10y प्लस 2x बराबर 165 को भी दो से गुणा करेंगे तो 16 × 32 और 33, 5 × 10 = 0 आंसर का 1, और 16 × 32 रे 33, तो कितने हो गए ये 330। दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 10y प्लस 2x बराबर 330, और इधर हो गया 4y प्लस 2x बराबर 180। अब देखो दोस्तों माइनस 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 ये एरिया तो कट गया, बच गया 6y, और इधर घटाएंगे तो 0, 13 में से 8 गए तो 5, और इधर से अपने पास में बच जाएगा 2 में से गया तो 1, 150। और y का मान निकालेंगे तो y बराबर 150 बटे 6, 6 × 12 और बच के 3, 6 × 5 = 30, तो y का मान कितना आया 25। अब y का मान तो 25 आ गया, अब y के मान को आप क्या करो समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रखोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ये समीकरण एक कहाँ है ये रही, तो 5 × 25 y की जगह प्लस एक्स बराबर 165, यही थी समीकरण एक। अब चलो इसमें 25 × 125 प्लस एक्स बराबर 165, अब एक्स का मान निकालेंगे तो 125 को पक्षांतर कर दें तो 165 माइनस 125। अब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी दोस्तों 0 4, 40 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ, तो एक्स का मान तो 40 है और वाई का मान 25 है। तो हमसे क्वेश्चन में भी ये पूछा था कि x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान तो आपके पास में 40 आएगा और y का मान 25 आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो इसका क्वेश्चन नंबर देखो ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करो, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करोगे तो वही सम्मुख कोण का योग 180, तो ए प्लस सी बराबर 180, और ए का मान कितना है वाई प्लस 2y बराबर 180, तो y जुड़ा तो 3y बराबर 180, और y बराबर 180 में किसका भाग दे देंगे 3 का, 36 18 60 डिग्री, तो y का मान तो इसमें 60 आ जाएगा। ऐसे x का मान निकालेंगे दोनों को जोड़ के 5 का भाग दे देंगे जिसमें आ जाएगा अपने पास में, आगे बात समझ में, b प्लस डी बराबर भी 180 होगा, तो आप इसको भी निकालिएगा। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 1-3 है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, ये उदाहरण का है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर यहाँ से देखोगे तो इकरण में है, तो इकरण में है तो ये हमारे पास में दोनों कोणों का योग सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 होता है।
तो 180 में से 91 कटा दें इसके लिए, तो 180 में से 91 कटाएंगे, 91 कटाएंगे तो अपने पास में बच जाएंगे ये 9, और इधर बचे अपने पास में 17, 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 7 8 8 बचे, तो कितना बच गया ये 89, तो ये तो रहेगा 89 डिग्री का। और यहाँ का जो मान निकालेंगे दोस्तों वो भी 180 में से कितना कटाएंगे 65, तो 5 और इधर 7 में 6 गया 1, 115 डिग्री, तो 115 रहेगा ये। अब ये 115 है तो ये वाला वापस कितना रह जाएगा 91, और ये वाला कितना रह जाएगा 65, इसके सामने वाला ये 115 और ये वाला कितना रह जाएगा 89। तो हमारे पास में x का मान तो आएगा यहाँ से 115 और y का मान आएगा 89 डिग्री। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप घर पे और इनका अभ्यास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको फायदा मिलेगा और आप जल्दी ही कवर कर पाओगे। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपको एक्सरसाइज अब 13 पे जाता हूँ, एक्सरसाइज 13 के बारे में चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 13 में आपसे क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें एक्सरसाइज 13 यह है, दी गई आकृति में एक वृत्त परिगत एक चतुर्भुज PQR खींचा गया है, सिद्ध करिए। अब इसमें सिद्ध करना था अपने को, जो इसमें मैंने लिखा नहीं है वो, और इसमें अपने को सिद्ध करना है कि PQ प्लस SR बराबर SP प्लस RQ, ये सिद्ध करना है अपने को दोस्तों। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही क्वेश्चन है और उसमें आप देखना एक्सरसाइज 13 में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और आप इसको वहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसी प्रकार से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको हल्का सा समझा दूँ। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर कोई वृत्त है, पहले कच्चा चित्र बनाओ, कच्चा चित्र, तो इसमें क्या करो, ये एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से 4 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे, वो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। 4 सेमी त्रिज्या का कहने का मतलब अपने को यहाँ पे 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेमी है। और पक्का चित्र बनाओगे तो पहले 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना और फिर 10 सेमी की रेखा खींचना। पहले क्या करोगे आप दोस्तों, 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचोगे, है ना, और यहाँ से केंद्र से 10 सेमी दूरी पर कोई बिंदु लगा दोगे और फिर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है ये वाली, और इस स्पर्श रेखा की लंबाई भी आपको ज्ञात करनी है और साथ में इसकी रचना भी करनी है। तो रचना तो हो जाएगी पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करोगे तो ये 10 रहेगी और ये 4 रहेगी, त्रिज्या इसकी 4 है। अब इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करोगे तो यहाँ आपके पास में जो ये रेखा है ये कर्ण नहीं है, ये आधार कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पाइथागोरस पर में लगेगा और कर्ण ये है जो केंद्र बिंदु से यहाँ तक का बिंदु है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ आधार का मान निकालेंगे, तो पाइथागोरस पर में तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, तो कर्ण का मान 10 है यहाँ, 10 का स्क्वायर, और आधार का मान अपने को निकालना है तो आधार स्क्वायर और लंब का मान 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से अपन निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर, सॉरी 10 का स्क्वायर तो हो गया 100 और बराबर ए स्क्वायर प्लस का 16। अब ए स्क्वायर का मान निकालें तो 16 को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो हमारे पास में 16 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 100 में से 16 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 84, और ए बराबर अंडर रूट 84, ये हमारे पास में स्पर्श रेखा की लंबाई होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पास में आ सकता है, चित्र बनाकर रचना भी करवाई जा सकती है आपसे, रचना करवा ले वो 10 सेमी त्रिज्या या 4 सेमी त्रिज्या का और कोई और त्रिज्या दे दे, दूरी दे दे, या 10 की जगह कुछ और भी तो दिया जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं एक्सरसाइज 15 से संबंधित भी आपको कुछ एक दो क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर, अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वो दे रखी है 44 मीटर।
अब यहाँ से आपको पहले आर का मान निकालना है। अब आर का मान निकालोगे तो 22/7 22 × 44 से 44 कर जाएंगे तो आर का मान यहाँ से 7 आएगा। आप सोल्व कीजिएगा, सूत्र में मान रखिए, और वर्त का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब वर्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मतलब वही 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कर जाएंगे, 22 × 7 = 154 हो जाएंगे, तो 154 वर्ग सेमी मीटर, तो ये आपके पास में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन है अगला, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या कीजिए। अब अर्धवृत्ताकार प्लाट है तो ये अर्धवृत्ताकार प्लाट बना दो, अभी इसकी त्रिज्या है आपके पास में 21 मीटर, तो इसमें कहा है इसका क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर दो तो 1/2 πr², तो यहाँ से 1/2 × 22/7 r का मान कितना है 21, तो 21 × 21 हो जाएगा दोस्तों। 7 से कट गया ये 3 बार, और 2 से कट गया ये 11 बार, 11 × 33 × 21 आप गुणा करना, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका परिमाप भी पूछा है, परिमाप, अब परिमाप निकालने के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक की परिधि निकालो। अब परिधि निकालोगे तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 πr, तो यहाँ पे निकालेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास, तब जाके अपना परिमाप आएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि तो हो जाएगी 22/7 × 21, और व्यास हो जाएगा 21 × 2 = 42, त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, तो त्रिज्या का दुगुना। अब 7 × 21 22 × 3 कितना हो गया 66, और प्लस 42, 6 × 2 = 8, और 6 × 4 = 10, तो हमारे पास में 108 मीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल याद करेंगे तो यहाँ तो त्रिज्या 3 सेमी दे रखी है उसने, और 90 डिग्री का कोण है, तो कोई बात नहीं, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए इसका, और जिसमें हमारा लघु वृत्तखंड बना हुआ है, तो हम क्या करें, इस 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल याद करने के लिए दोस्तों त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, यहाँ पे अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा 1/2 r² sin θ, ठीक है, तो चलो इसमें मान रखते हैं 6 अंकित भाग का मैं 22/7 × r का मान 3 है 3, और थीटा का मान 90 डिग्री है 360 माइनस 1/2 × 3 × 3 r² का मान, और sin 90 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ से देखोगे तो ये आपको सोल्व करना है, sin 90 का मान है ना, वो मैं बता देता हूँ 1 होता है, तो आप इसमें रख के गुणा भाग कीजिएगा, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये है एक सवाल, इसमें भी 6 अंकित भाग का अपने को क्षेत्रफल याद करना है, तो हम क्या करें, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। अब इसमें AC जो है ये दे रखी है 6 सेमी की, और ये कितनी है 8 सेमी की, तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ, पर देखो वृत्त का क्षेत्रफल जब निकलेगा जब आपको वो त्रिज्या देगा, पर त्रिज्या तो बताई नहीं, तो त्रिज्या नहीं बताई तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AB का मान ज्ञात करेंगे, और AB क्या कहलाएगा, इसका व्यास कहलाएगा, और व्यास का आधा करेंगे तब जाके हमारे पास में इसकी त्रिज्या आएगी। तो चलो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 कितने हो गए दोस्तों 100, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10, और 10 का आधा करेंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5, तो आपके पास में r का मान 5 रहेगा, ये ध्यान रखना, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालनी है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जोड़कर कर्ण का मान निकल जाएगा, ये कर्ण है ध्यान रखना, ये कर्ण है, तो कर्ण का मान आपको निकलेगा, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो निकाल लोगे अब आप आराम से, ये लो k = √
36 प्लस 64 बराबर 100, 100 का मान कितना 10 और r बराबर कितनी हो जाएगी 5। अब वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 6 × 4 6 × 8 क्योंकि 8 है इधर, और पाई का मान 22/7 और r का मान कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास में 5 5 × 5 माइनस 2 से काट दो 3 बार और 8 3 24। अब ये थोड़ा सा गुणा भाग करना है आपको, जो करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 16 है, उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। मैं हालांकि इसके सवाल नहीं बताऊंगा, आप पाठ्य पुस्तक से देखिएगा। 16.2 का सवाल है ये। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा और अपने पाठ्य पुस्तक में 16.2 का ये क्वेश्चन है और वहाँ से इसको निकाल कर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बेलन का आयतन होता है, जो आपको हल्का सा आइडिया दे दूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, और आधार का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे मान दे रखा है उसने और ऊंचाई भी आपके पास में निकल जाएगी, कहाँ प्रॉब्लम है। तो आप निकालने का, इसका मान तो 6 पाई है और इसका मान आपके पास में कितना दे रखा है 30 पाई है, 30 पाई। और h का मान निकालोगे दोस्तों तो पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है, तो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई और पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 6 पाई, तो 6 पाई इंटू एच बराबर 30 पाई और पाई से पाई कट जाएगी, 6 का भाग 30 में दोगे तो एच बराबर 5 सेमी आएगा। आप वहाँ पे देखना अपनी पाठ्य पुस्तक में, वहाँ और अच्छे से आपको इसको सॉल्व करके बता रखा है। दूसरा क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब अपने पास में 7 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन ज्ञात करना है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसे आप निकालेगा, पहले शंकु की ऊंचाई याद करना और शंकु की त्रिज्या है 7 सेमी, ऊंचाई याद करोगे तब जाके इसका मान निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। 7 सेमी त्रिज्या वाले शंकु का आयतन देखना, ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है, वहाँ से आपको मिलेगा। और इसमें आर का मान तो दे रखा है 7 पर ऊंचाई तो बताई नहीं उसने, सब इसमें कोई संख्या छूट गई है, आप देखना, देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में ये सवाल कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, वहां से चेक करना, ठीक है। एक्सरसाइज 16, अब दोस्तों मैं एक्सरसाइज 17 में आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हालांकि मैं इनको सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ। यदि नीचे दिए गए बिंदु बंटन का माध्य 28.5 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, आप ढूंढिएगा इसको और वहाँ से दोबारा कीजिएगा इसको अच्छी तरह से। और एक सवाल ये है आपके पास में जिसमें माध्य व बहुलक ज्ञात करना है, ये एक्सरसाइज आपके पास में 17.8 का सवाल है, वहाँ से निकाल कर इसको सोल्व कीजिए, परीक्षा में 6 नंबर का आ सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका माध्य और बहुलक निकालना है। तो माध्य और बहुलक सूत्र याद होना चाहिए, कहने का मतलब माध्यक का सूत्र तो होता है, मैं आपको सूत्र बता दूँ और आप खुद प्रयास कीजिए। माध्यक का सूत्र होगा हमारे पास में एम बराबर एन 2 माइनस सी एफ 2f इंटू एच, और बहुलक का सूत्र होता है जेड बराबर f1 माइनस f2 / 2f1 माइनस f2 माइनस f0 इंटू एच। इसका उपयोग करना, सॉल्व करना। ऐसे दोस्तों एक्सरसाइज 18 का सवाल है, टाइम नहीं है, इस कारण से मैं थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता रहा हूँ।
एक तो आपको 18 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 5, 10 और 11 जो इनको ध्यान से देना है, प्रायिकता में इनको समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 का है पी ए बराबर 0.65, तो ए नहीं की प्रायिकता बहुत ही सिंपल है, पी ए प्लस पी ए नहीं का योग होता है ए। तो अपने को पी ए का मान दे रखा है 0.65 प्लस पी ए नहीं बराबर ए, तो इसको पक्षांतर कर देंगे इधर पक्षांतर, तो पी ए नहीं का मान आएगा 1 माइनस 0.65, और घटाओगे तो पी ए नहीं का मान प्राप्त हो जाएगा 5 और 35, 0.35 ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा में आने के लिए, और ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक का है, आप वहाँ से देखिएगा। एक्सरसाइज 18 का सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका आंसर आपके पास में 6/7 के समथिंग आएगा। लीव 52 रविवार आने की प्रायिकता निकालनी है, तो वहाँ से उसको आप देखिए। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक का सवाल है, 12 पेन खराब और 132 पेन अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब या अच्छा है, यादृच्छिक चुनाव के रूप में अच्छे पेन की प्रायिकता याद कीजिए। आप खुद कीजिएगा इसको, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये सवाल आपको मिल जाएंगे। एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन है ये 18 का, वहाँ से आपको देखकर इसको करना है। और दोस्तों एक ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो मैंने अलग से ही लिखा है, देखिए बार बार परीक्षा में आता रहता है, पी यू सी का पूरा नाम, तो इसका नाम होता है प्रमाण पत्र, ये इसका पूरा नाम होता है, याद रखना परीक्षा में आ सकता है। तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से परीक्षाएं दें और अच्छे से मेहनत करें और अच्छे अच्छे अंक प्राप्त करें, और मैंने जितना मेरे तरफ से सहयोग हो सकता है मैंने आपको सहयोग किया है, अब आपकी तरफ से भी जितना आपको सहयोग हो सके आपसे उतना सा सहयोग मेरा भी कीजिएगा, और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए जो दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचे, उनको भी फायदा मिले, बेनिफिट मिले। ओके, धन्यवाद।